हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते एक सप्ताह में ये घटनाएं 3 गुना बढ़ चुकी है। रोजाना आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार की घटनाओं ने बीते 4 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार जंगलों में आग लगने के मामले बीते 4 वर्षों में सबसे ज्यादा 1000 के पार पहुंच चुके हैं। अभी तक आग लगने के 1080 मामले सामने आ चुके हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर वन संपदा राख हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 2 वर्षों में 2000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर पौधरोपण किया गया था, वह भी आग की भेंट चढ़ चुका है। आपदा प्रबंधन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीते 4 वर्षों में ये पहली बार है कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं 1000 के पार पहुंच चुकी है। बीते वर्ष 2021-22 में जंगलों में आग लगने की घटनाएं मात्र 33 थी और वही घटनाएं अगले वित्तीय वर्ष यानी 22-23 में बढ़कर 860 पहुंच चुकी थी। 2023-24 में ये घटनाएं 681 पर थी और अब 2024-25 वित्तीय वर्ष के अनुसार ये घटनाएं अभी तक 1000 तक पहुंच चुकी है, जो आने वाले समय में कई ज्यादा हो सकती है। बहुत मुश्किल हो रहा है जी, बहुत आग ये कल से लेके लगी हुई, कल रात से लेके चली गई। ये दूसरे गांव से होते हुए इधर से हमारे गांव में पहुंच गई है। परेशानी हो रही है जी, सारे गांव वाले लगे हुए धुएं से, बहुत परेशानी हो रही है। आग से सारे पेड़ जल गए हुए हैं यहाँ पे, हमारे चरान चरून जो सब जल गया हुआ है। अभी तो कोई नहीं पूछ रहा जी, अभी तो आज कल से ही लगी ना ये आग, शाम को लगी ज़्यादा, तो ये आज ही आई इधर को, तो उसे कल शाम से उस सेठ से तो लगी हुई दूसरे गाँव से, तो कोई नहीं आया। अभी तो लोकल आदमी खुद अपने आप ही बुझा रहे हैं, तो उतना कर रहे हैं जी सर। मकान का खतरा है जी, कभी भी जैसे आप इस बार ही देखो आपके सामने यहाँ मकान, पूरा मकान के पास से बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ, खतरा ही खतरा है इससे, तो चारों तरफ आग लगी हुई है। कहाँ से लाना पानी, यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने आदमी लगे हुए अपने सभी गाँव के इकट्ठे होके, तब जाके थोड़ा बुझा रहे मकान बचाए हुए, नहीं तो यहाँ तो मकान ही नहीं बचने। वो पूरी रात यहाँ जागते रहे, सही 1:30 बजे तक तो ऐसे ही उठे रहे, यहाँ घर के पास आग पहुँच गई थी, फिर उस वजह से सब। अभी तो बिल्कुल ही आपके सामने भी सारे में पार को लगी हुई एरिया में, परिवार था यहाँ सभी थे, 8:30-9 बजे के बाद आ गई ये कल शाम को। हाँ इन्होंने क्योंकि इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं इनको, कहीं जंगल में आग लग रही, कोई पूछ रही ना किसी को, कोई देखो ना फायर भी आई कल थोड़ी देर को आई, अभी यहाँ रोडों की भी प्रॉब्लम है, कच्चे रोड है, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो रोडों की दिक्कत है। रोड हो चलो आदमी फायर भी आ सकती है, बिना रोड के कहाँ से फायर आनी, पानी ले आना मुश्किल है। तो बिल्कुल हम तो बोलते हैं इनको के मंत्रियों को, ये जो है विधायक वगैरह, ये इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस साइड भी, कि भाई लोगों की समस्या है, चारों तरफ आग लगी, मकानों को खतरा बना हुआ है, इस और किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है साइड।